हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ टेक्निकल नील का एक नया एपिसोड में। जी हाँ दोस्तों, आज का जो एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बस बताऊंगा कि व्हाट्सएप के कुछ नए नए रूल्स आया है, जो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप पे आ सकती है बहुत बड़ी मुसीबत। तो जी हाँ, जल्दी से देख लेते हैं कि व्हाट्सएप का क्या नया नया रूल्स आया है और क्या क्या हम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए, और हम लोगों को अगर ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे तो हम लोगों को जेल भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। और एक बात मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि कोडिंग का कुछ नया नया वीडियोस में आपको सिखाता रहूं, मतलब PHP HTML। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी PHP HTML का एक नया कोर्स यहाँ पे लेके आऊं, जो कि एकदम फुल प्रैक्टिकली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा और आप जिससे सीख सकते हैं। मतलब अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर है और अगर आप चाहते हैं कि मैं एकदम अच्छा से एक वेबसाइट को मैं करके कस्टमर को प्रेजेंट करूं, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि सब कुछ आप सीखना चाहते हैं इस चैनल में, तो आप एक काम कीजिए, बस इस वीडियो के नीचे में जाके कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे इस वीडियो को सीखना है, मुझे देखना है, आप इस वीडियो को कीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे जो कि कोर्स है मैं लेके आऊँ यहाँ पे और आप उसको देख के सीख पाए। तो फिलहाल अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं मेरा मेन मुद्दे में आता हूँ कि व्हाट्सएप का जो नया नया रूल्स आया है, जो अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा और मैं आपको बता देता हूँ कि नया नया रूल्स क्या है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता है। अभी हम लोगों को टीवी में दिखाई देता है कि व्हाट्सएप अभी जो कि है एड दे रहा है टीवी में, कि एक एड फिलहाल मैं अभी मेरा मुझे मतलब मेरा नजर में आया कि वो जो एड है कि एक पापा और एक बच्चे को लेके है। पापा उसका बच्ची जो है वो कहते कि मेरा पापा बहुत ही अच्छा अच्छा मैसेजेस करता है, और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप में गलत अफवाह है और गलत चीजों को शेयर कर रहा है, तो मैंने मेरा पापा को समझाया कि पापा आपको खुशियां बांटनी चाहिए और अफवाहें नहीं। तो उसके पापा ने कहा हाँ ठीक है चलो, ऐसे ऐसे करके कुछ चीजों व्हाट्सएप को लेके अभी ऐड हो रहा है, टीवी में आ रहा है। व्हाट्सएप कभी ऐड नहीं देता था, आपको आप भी शायद जानते हैं कि व्हाट्सएप कभी भी ऐड नहीं देता था, अभी ऐड दे रहा है। तो सबसे पहली जो बात है कि जो कि ग्रुप जो भी लोग अभी ग्रुप में है, जो जो एडमिन है, मैं उन लोगों के लिए सबसे पहले जो बात है बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता था, आप अगर ग्रुप के एडमिन है, मान लीजिए कि मैं अभी ग्रुप का एडमिन हूँ और मेरा बहुत सारे दोस्तों को लेके मैंने ग्रुप किया हूँ, और उस ग्रुप में बहुत से लोगों ऐसे उन्होंने ऐड किया, उसने ऐड किया, ऐसे बहुत लोगों को लेके ग्रुप है और उसके एडमिन अभी मैं हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उस ग्रुप में फनी वीडियो शेयर हो रहा है, मतलब होता था पहले, अभी भी ग्रुप में होता था। सब लोगों को क्या पता था कि व्हाट्सएप एक इनक्रिप्टेड फाइल है, जो कि पर्सनल शेयरिंग मैसेज फोटोज और वगैरह वगैरह बहुत चीजों का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग पर्सनली सब कुछ कर सकते हैं, जो कि हमें मालूम होगा और जिसके साथ हम चैटिंग कर रहे हैं उसको मालूम होगा, मगर अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे, अभी आप करके देखिए, अगर आप किसी और को अगर ऑनलाइन है वहाँ पे अगर कोई फोटो अगर भेजते हैं तो आप देखेंगे कि वो फोटो जाने में बफरिंग में तो टाइम लगता है, वो तो चला गया, उसके बाद भी डबल टिक नहीं होता है। अगर ऑनलाइन होता भी है तो डबल टिक नहीं होता है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगाता है। क्यों लगाता है, क्योंकि आपका जो फोटो या जो भी चीज़ें आप उसको भेज रहे हैं वो क्या होता है, डिक्रिप्टेड करके होता है, जो कि डिक्रिप्टेड फाइल आपके पास जा रहा है। तो उस दौरान उस जगह में जो व्हाट्सएप मतलब गवर्नमेंट का जो आपको मॉनिटर कर रहा है वो क्या होगा, उस डिक्रिप्टेड फाइल को इंक्रिप्टेड करेगा, ठीक है। इंक्रिप्टेड करने के बाद वो देखेगा कि वो फाइल क्या है, ठीक है। देखने के बाद उसको फिर से डिक्रिप्टेड करके मेन सर्वर में भेजेगा, सर्वर से आपके पास इंक्रिप्टेड होके आएगा, ऐसा एक चेन हो रहा है। तो ग्रुप का एडमिन जो कि है, मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं ग्रुप का एडमिन हूँ और आप मेरा ग्रुप में कुछ ऐसे फनी वीडियोस फोटोज या किसी ने कोई ऐसे MMS बना दिया उसको शेयर कर दिया, वहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो मुझे आके उठा लेगा, क्योंकि मैं ग्रुप का एडमिन हूँ। वो मुझे पहली बात बताएगा कि आप एडमिन हो, मतलब आप सबसे ऊपर में, आपके होते हुए इस जगह में ऐसे गलत चीजें क्यों हो रहा है। उसके बाद जो जो फोटो सेंड किया है, जिन्होंने भी देखा है, जिन्होंने कमेंट किया है, उन सभी को उठा लेगा, जेल तक हो सकता है, फाइन हो सकता है, चार्ज लग सकता है, उसमें केस तक हो सकता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप को लेके जो कि अभी नया नया आया है, आप
कोई भी अगर पर्सनल डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट होता हो सकता है, कोई वीडियोस हो सकता है, कोई फोटोज हो सकता है, आप कोई भी शेयरिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि अभी व्हाट्सएप को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर आप कोई भी फाइल, कोई भी फोटो, कोई डॉक्यूमेंट अगर शेयर करते भी है तो वहाँ पे जो बंदा व्हाट्सएप को मॉनिटर कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट का ही आदमी होगा, जो गवर्नमेंट का ही इंसान होगा जो उसको मॉनिटर कर रहा है, वो देखेगा आपका फाइल क्या है, उसके बाद ही सर्वर में जाएगा। इस दौरान अभी एक नया यहाँ पे आया है जो कि आपको मॉनिटर कर रहा है, गवर्नमेंट से आया है, ठीक है। पहले जो होता था डायरेक्ट सर्वर में गया उसके बाद आपके पास आ गया, मगर अभी नहीं होगा। अभी आपने जब उसको भेजा हो तो जा रहा है सर्वर के, सर्वर तक जाने से पहले अभी एक बंदे यहाँ पे बैठा है जो कि आपको मॉनिटर कर रहा है, वो उसके पास जाएगा, वो देखेगा, उसके बाद वो सर्वर में भेजेगा, सर्वर आपके पास मतलब आपने जिसको भेजा वो अभी जाएगा। थोड़ा सा सावधानी बरतिए। और मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको कोडिंग सीखना है, अगर आप चाहते कि आप एक वेब डेवलपर बने अच्छे से, और अगर आप चाहते कि मैं एक अच्छा सा वेबसाइट बनाऊँ उसके बाद कस्टमर को दूँ, अगर आप ऐसे चाहते हैं तो पूरा फुल PHP, HTML सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकल अपने PC में करके दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलूंगा।